कि अब इसके लिए क्या करना है. एनीवन एल्स? बिजनेस तो आपने बताया, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अपीयर हो सकती हैं? ट्रांसमिशन कहाँ से होती है? ये रूबेला वायरस करवाता है, हाईली कॉन्टेजियस है ये. और इसमें क्या 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 आपको इसमें पैथोजेनिक साइन मिलेगी? कॉप्लिक स्पॉट मिलेगा, दिस यू हैव टू सीन. व्हाट द अपर मोलर टूथ में मिलेगा, और हाइपरीमिया मिलेगी थ्रोट में, थ्रोट कंजेस्टेड होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हो रही है इसमें, और जो इस तरह का रेस्ट मिलेगा आपको. ठीक है, सही है. And what complications you see? Respiratory more common complications इसमें, जिसमें otitis media मिलता है आपको, pneumonia, yes, airway infections, very good. उसमें भी ने reply किया pneumonia, okay, fine. इसमें pneumonia, otitis media मिलता है, CNS में acute encephalitis मिलता है आपको, GI में diarrhea, malnutrition, desquamation of the skin होती है, cornea involvement होगा और blindness होगी, mouth में stomatitis. और हेमरेजिस हो सकते हैं, इम्यून डिक्रीज इम्यूनिटी पेशेंट्स में, एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट टीबी, वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डिक्रीज है और उनमें जो है मिजल्स हो रहा है, तो उसमें जो है वो एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट टीबी वो ट्यूबरक्लोसिस करा सकता है. एंड डेथ इसमें ओवरऑल लीडिंग जो है वो रेट जो है वो इसमें हायर है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में. ओके, सो इसीलिए जो है MMR वैक्सीन रिकमेंड की जाती है मोर देन 6 मंथ्स के चाइल्ड में, अगर पेशेंट की ट्रेवलिंग हिस्ट्री है कि ट्रेवल करना है उन्हें आउटसाइड द कंट्री यूएसए में, दैट इज मैंडेटरी दैट आप जो है वो मीजल्स की वैक्सीन कर रहे हैं. सॉरी, टॉक्सिक शॉक, इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नहीं हो रहा, इसमें पेशेंट को जो है वो ये जो है पहले निमोनिया के साथ अगर पेशेंट आते हैं देन जो है वो उसमें जा सकते हैं सेप्सिस में. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इसमें नहीं मिलेगा आपको, सेप्सिस की पिक्चर मिल सकती है. This is case 3. अब इसे थोड़ा क्लियरली देखें, फोर्स देखें, दैट इज आल्सो वेरी कॉमन मॉर्बिली फॉर्म रेश. टारगेट लीजन मिलेंगी आपको इसमें, ब्लेंचिंग एंड परफ्यूरिक रेश मिले, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही अल्सरेशन. अच्छा, इस पेशेंट में हिस्ट्री थी कि इन्होंने जो है मेडिसिन ली थी, इन्होंने जो है ब्रूफिन सिरप लिया था इस पेशेंट ने. ठीक है, 2 डेज बैक इन्होंने ब्रूफिन सिरप लिया और आज इन्हें ये रेश अपीयर हुआ है पूरी बॉडी में और टारगेट लीजन के साथ. ड्रग्रेश गुड. तो जो बुशरा है बहुत एक्टिव है ग्रुप में, और कोई भी रिस्पॉन्ड करे यहाँ पर ड्रग रिएक्शन, क्या इसको हम क्या कहेंगे? एसजेएस गुड, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इसे आप कहेंगे. और इसके इसमें आपको टारगेट लीजन्स मिलती हैं, दिस इज द टारगेट लीजन, ये एरो दे रहे हैं ना. ठीक है, और ये पूरा कन्फ्लुएंट हो रहा है पूरी जनरलाइज बॉडी को, और यहाँ पे इन्होंने म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व की हुई है. ठीक है, दिस इज म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल म्यूकोजा, आईज की म्यूकोजा, इन्वॉल्व होती है एनल, और ये सारी आपको जो है वो एसजेएस में होती है. अच्छा, इसी की एक ओडीडी है टेन. एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट द टॉक्सिक एपिडर्मल निक्रोलाइसिस? रिप्लाई मी. ठीक है, इस पेशेंट में आपको जो है वो यही अल्सरेटिव म्यूकस मेम्ब्रेन मिला, डिस्यूरिया, माइल्जियास एंड फीवर मिला. ओके गुड, टेन में ये डिफरेंस होगा तो आपको स्किन शेडिंग मिलेंगी. ठीक है, ये तो हो गया एसजेएस जिसमें आप इस तरह की टारगेट लीजेंस भी नहीं, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हुई, सल्फा ड्रग्स, पेंसिलिन, और बहुत ज्यादा बहुत लंबा ग्रुप है जो इसमें करवा सकता है ये चीज. इसमें भी आपको शॉक के फीचर्स मिल सकते हैं, इसमें पेशेंट हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया पूरी जो है वो इन्वॉल्वमेंट के साथ आ सकता है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट और जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब कुछ मिल सकती है आपको इन्वॉल्वमेंट इसमें. ठीक है, सेकेंड जो आपका आता है 10 टॉक्सिक एपिडर्मल निक्रोलाइसिस, इसमें क्या होगा, इन्हीं फीचर्स के साथ आपको स्किन शेडिंग मिलेगी, पेशेंट की पूरी स्किन शेड होती जाएगी और उसकी मोर्टलिटी 95% है 10 की, दैट इज वेरी डेंजरस. ठीक है, तो इसको आप जो है कैटेगराइज करना है कि 10 में आ रहा है, एसजेएस में आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैनेज करना है पेशेंट को. ठीक है, दिस इज द एपिडर्मल, दिस इज एसजेएस, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है, पूरी लेग्स इन्वॉल्व हो रही है इसमें. ओके ओके, अब स्लो करूंगी, मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ. कहाँ से जो है वो मैं थोड़ा स्टार्ट करूँ दोबारा, एसजेएस में से. इसमें आपको पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व मिल रही है, ठीक है, आईज की, और जो है वो ओरल, और ये मॉर्बिली फॉर्म टाइप ऑफ रेश होगा, परफ्यूरिक होगा, ब्लेंचिंग होगा, टारगेट लीजन्स मिलेंगी इसमें आपको, इसमें पाम्स इन्वॉल्व सब इन्वॉल्व हो सकती हैं आपकी, म्यूकोसा इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, और इसमें और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, कि इसमें आपको स्किन शेडिंग मिलती है 10 में,
और इसमें एरिथमा मल्टी फॉर्म दैट इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से पहले वाली फॉर्म है जिसमें स्लफिंग नहीं होगी, ठीक है, लेस देन 0.1 to 2 म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होंगी और इन्फेक्शस ट्रिगर्स क्या होंगे इसमें, माइकोप्लाज्मा एंड ड्रग्स। उसके बाद एरिथमा मल्टी फॉर्म के बाद सेकेंड फॉर्म आती है आपकी एचजेएस, जिसमें आपको जो है वो लीजन्स थोड़ी ज्यादा होंगी जिस तरह ये है, इसमें कन्फ्लुएंट होगी सारी लीजन्स और यहाँ पे पूरी बॉडी इन्वॉल्व होने शुरू होगी इस पेशेंट की, ठीक है। म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई, बॉडी में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई, तो ये आ गया आपका एचजेएस की कैटेगरी में, ठीक है। अब एचजेएस से भी जब सीवियर होगा तो कहाँ पर जाएगा, टॉक्सिक एपिडर्मा नेक्रोलाइसिस में, जिसमें आपको शेडिंग ऑफ द स्किन मिलेगी, ठीक है। तो दीज ऑल आर द ड्रग रिएक्शंस जितने भी हैं, एरिथमा मल्टीफॉर्म, एचजेएस और जो टेन, ये सारी आपके ड्रग रिएक्शंस में आ जाती है, लेकिन सीवियरिटी में डिफरेंस है। टेन इसमें पूरी स्किन शेडिंग हो रही है पेशेंट की, पूरी स्किन शेड होती जाएगी, पूरी स्किन रिमूव होगी, न्यू स्किन अपीयर होगी। तो दीज पेशेंट्स आर वेरी प्रोन टू द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इन पेशेंट को आपको आइसोलेट करना होता है, बहुत स्किन केयर की नीड होती है, हॉस्पिटलाइज की नीड होती है और सेपरेट रूम्स की नीड होती है, बहुत ज्यादा केयर। यहाँ पे इन्होंने सर्जिकल शीट्स लगाई हुई है टू प्रिवेंट फ्रॉम द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज वेरी क्रिटिकल कंडीशन। इसकी मॉर्टलिटी बहुत हाई है, तो इस पेशेंट को आपको बहुत ही सिक्योर रखना होता है। दिस इज अ केस फोर, इसमें पेशेंट की हिस्ट्री है फीवर, नेक स्टिफनेस एंड अल्टर्ड सेंसोरियम के साथ ये पेशेंट आया था हमारे पास, और आफ्टर 4 days की ये कंडीशन हो गई। सो देयर इज अ पेटिकल पर्पुरिक एक्सट्रीमिटीज, सो एनीवन प्लीज रिप्लाई। अब आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह का रेश है, पर्प्यूरा भी नजर आ रहे हैं, पिटिकी भी नजर आ रहे हैं आपको, एक्सट्रीमिटीज पे आपको बिल्कुल एम्प्यूटेड हो गई है थ्रोम्बस की वजह से। आईटीपी, एनीवन एल्स आईटीपी, और किसी का रिप्लाई? 2 students ने आईटीपी रिप्लाई किया है इसमें। पेशेंट की हिस्ट्री थी फीवर की, नेक स्टिफनेस की एंड हेडेक की, ये कहाँ पे आपको जो है वो फिट हो रहा है, नेक स्टिफनेस एंड हेडेक, मेनिंजोकोकल, गुड, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस एंड लीड्स टू दी मेनिंजोकोक्सीमिया, गुड, ठीक है। फीवर की हिस्ट्री 1 day की, साइंस ऑफ शॉक है इसमें, ठीक है, और जो है वो हेडेक है, सोर थ्रोट है, माइल्जिया है, ये पेशेंट ने हिस्ट्री दी थी, और उन्होंने हिस्ट्री दी थी कि जब हमने इनसे एक्सपोजर की हिस्ट्री दी तो उन्होंने दिया कि वी हैव नो हिस्ट्री ऑफ द मेनिंजोकोकल वैक्सीन, इन्होंने नहीं करवाई इस पेशेंट में, और उसके साथ अब ये प्रेजेंट हुए हमारे पास, तो वी सस्पेक्ट ऑफ द मेनिंजाइटिस अलोंग विद द मेनिंजोकोक्सीमिया। सो व्हाट आर देयर द फीचर ऑफ द फीवर, रेश, माइल्जिया एंड पेटिकिया, ठीक है, और इसमें मोर्टलिटी 10% है, ठीक, ठीक है। एक दफा और देख लें, मेनिंजोकोक्सीमिया के पेशेंट हैं जो सीवियर सेप्सिस के साथ आते हैं, इनकी मोर्टलिटी बहुत हाई है और आफ्टर मेनिंजाइटिस ही अपीयर होते हैं पेशेंट में, ठीक है। दिस इज अ केस 6, ये वैसे हमारे पास तो अनकॉमन है लेकिन पीड्स में बहुत कॉमन है ये केस। दिस इज अ डिफ्यूज मैक्युलर रेश दैट इज नॉन पल्पेबल, मैक्युलर है, फ्लैट है बट डिफ्यूज है, एरिथमेटस है, ब्लेंचिंग है, मॉबली फॉर्म मीन्स की कन्फ्लुएंट है, पूरा ज्वाइंट है और स्वोलन हैंड्स के साथ ये बेबी आया है। एनीवन हैव आइडिया, कभी देखा है ऐसा पीड्स में आप लोगों ने? नो, इनकी फीवर की हिस्ट्री है, 6 days की फीवर है, इरिटेबिलिटी है, कंजक्टिवा एंड मोल्ड है इसका, क्रैक्ड लिप्स हैं, स्ट्रॉबेरी टंग है। अभी तक कोई आइडिया हुआ? दिस इज अ कावासाकी डिजीज जिसमें आपको जो है वो स्कारलेट फीवर, ओके, स्कारलेट में भी गुड इस तरह के मिल सकते हैं आपको, कि सोर थ्रोट के साथ आया, फीवर के साथ आया, ठीक है। किसी ने रिप्लाई किया कि स्कारलेट फीवर है, मे बी जी, तो ये कावासाकी है जिसमें जो है पीड्स मतलब बच्चों में बहुत कॉमन है, स्मॉल और मीडियम साइज वेसिकल्स को इन्वॉल्व करता है जिसमें वेस्कुलाइटिस भी होती है, फीवर, रेश, कंजक्टिवल हाइपरीमिया के साथ, लिम्फेडनोपैथी, इसमें पूरी म्यूकोजा इन्वॉल्व हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी टंग होगी, ठीक है, पाम्स एंड हैंड्स जो है इसके सोल्स वो स्वोलन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सब एक्यूट फेस होता है जो मोर देन 10 days का होगा, एक्यूट लेस देन 10 days, सब एक्यूट में मोर देन 10 days भी हो सकते हैं, फीवर होगा, देन डिस्कमेशन ऑफ द स्किन होती है, मींस के एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी विल बी इन्वॉल्वड, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होगी, आर्थ्रेलजिया, कार्डाइटिस, मीडियम एंड स्मॉल वेसल्स तो आपको जहां जहां पे मिलेंगी वो सारी इन्वॉल्व होती जाएंगी, और ये वेस्कुलाइटिस 25% ऑफ द पेशेंट्स में कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस करवाता है और
एम आई एंड डेथ भी कर सकवा सकता है, मीन्स के एम आई और डेथ का कॉज है इन यंग पेशेंट्स में, ठीक है, एम आई एंड डेथ करवा सकता है. ओके दिस इज द गेस, सेम पिक्चर, स्वॉलन हैंड्स हैं इनके, ठीक है, पूरा इरिथमेटस रेश आ रहा है इसको, मॉर्बिलिफॉर्म मैक्युलर रेश हो रहा है इसका, ठीक है, स्ट्रॉबेरी टंग है ये, कंजक्टिवा है इसकी. जो क्वेश्चंस हो आप इस पे लिखकर मुझे भेजते जाएं, ठीक है. दिस इज द केस 7, ये भी इजी है, जो हमारे पास बहुत कॉमन है. ये रेश अपीयर हुआ, एब्डोमेन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड देन स्प्रेड्स अपवर्ड. अब इसका आंसर दें जल्दी से. मोहन, बहुत कॉमन है, फीवर है, सॉर्ट थ्रोट है इसमें भी, ठीक है, रेश है पहले, स्कॉलेट, ओके, एनीवन एल्स, चिकन पॉक्स, गुड. मैं खुद भूल गई थी हमारा कौन सा केस है. दिस इज स्कारलेट फीवर, ठीक है, जिसमें पेशेंट फीवर की हिस्ट्री थी, सॉर्ट थ्रोट की हिस्ट्री थी और हेडेक की थी, एब्डोमेन पेन की थी, और ये विंटर सीजन में हमारे पास प्रेजेंट हुआ है, ठीक है. तो इसमें भी पूरी जनरलाइज्ड बॉडी में जो है वो पेशेंट को रेश के साथ हमारे पास आया है, ठीक है. डिलेड टू रिएक्शन और एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, स्टेफिलोकोकल जो है वो मोर कॉमन रिएक्शन है हमारे पास, और ये स्कारलेट फीवर करवाता है, ठीक है. रेश जो है पूरी सरकम ओरल पेलर, सरकमल पेलर होगा, स्ट्रॉबेरी टंग के साथ आते हैं, डी स्क्वेमेशन होती है इसमें भी, ठीक है, फेस टू ट्रंक ये सारा स्प्रेड होता है ये रेश, ओके, ठीक है. स्टेफिलोकोकल इज वेरी कॉमन, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन बहुत कॉमनली आती है आपके पास, फीवर के साथ, रेश के साथ. इसकी डीडी को ही बताएगा स्कारलेट की, इसी तरह फीवर हुआ, फिर शॉर्ट थ्रोट हुआ, और फिर हमने उन्हें पेंसिलिन दी, और फिर वो रेश के साथ आया है इस तरह. सो स्कारलेट के साथ और क्या डीडी बनती है इस पेशेंट में, कॉमन है वो भी, एनीवन, ड्रग रेश, ओके, एनीवन एल्स, फ्रेंजाइटिस, ठीक है, कुछ और, फ्रेंजाइटिस ड्यू टू व्हाट, हाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन कवासाकी एंड स्कारलेट फीवर, ओके, ठीक है. अच्छा, कवासाकी में पेल्पेबल रेश होगा, कवासाकी मैंने पहले आपको दिखाया था, इसमें वेस्क्यूलाइटिस होती है कवासाकी में, लुक एट दिस, दिस इज द मैक्युलर रेश, बट दीज आर द पेल्पेबल रेश, ठीक है. कवासाकी में मीडियम एंड स्मॉल साइज वेसल्स वेस्क्यूलाइटिस होती है, और जहां पे भी वेस्क्यूलाइटिस की बात आ जाएगी वहां पे आपको पेल्पेबल रेशेस मिलेंगे, पर्पुरा टाइप रेश मिलेंगे, ठीक है. स्टार्ट में हो सकता है आपको वो मिले, लेकिन यहाँ फिर इन द आपको यही मिलता है, इसमें वेसल इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट्स व्हाई, ठीक है. और कोई क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने क्या बताया, रुबेला हो सकता है, ठीक है. इसकी डीडी स्कारलेट के अलावा, जिसमें सोर थ्रोट है, फीवर है और रेश है, नो आंसर. डिफ्थेरिया, नहीं, डिफ्थेरिया में आपको ऐसा रेश नहीं मिलेगा. मीजल्स, ठीक है, ये भी इसकी डीडी में है, ओके. एनीवन एल्स, गुड गुड गुड. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये मैं जा रही थी. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस बहुत कॉमन, जिसमें आपको फीवर, रेश, सोर थ्रोट मिलेगा और लिम्फेडनोपैथी मिलेगी, ठीक है. स्कारलेट और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस वेरी सिमिलर विथ ईच अदर. इन दोनों में आपको एक डिसीज मिलती है, इसमें आपको हेपेटोसिस्टोनेमीगैली भी मिल सकती है, फीवर, शॉर्ट थ्रोट, रेश, हेडेक, ये सारी चीजें एक जैसी मिलेंगी आपको. तो ये आप दोनों एक ही डीडी में रखेंगे, ठीक है. मीजल्स भी रखेंगे इसमें, मीजल्स है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, गुड. तो ये आपकी एक डीडी होनी चाहिए स्कारलेट फीवर की. ल्यूकेमिया, एक्जेक्टली, ल्यूकेमिया में आपको क्या होगा कि इसमें थोड़ी हिस्ट्री आपकी क्रॉनिक होगी, ठीक है. इसमें आपकी जैसा शॉर्ट हिस्ट्री है स्कारलेट में, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में, बट ल्यूकेमिया में आपको हिस्ट्री थोड़ी क्रॉनिक मिलेगी, अदरवाइज ये फीचर्स मिल सकते हैं, ये डीडी में आएगा इसकी, गुड, ठीक है. ये हमारा केस 8 है, ठीक है. इसमें मैक्युलर, ये रेश भी हमारे पास अनकॉमन है, ये पीडियाट्रिशियन में कॉमन है, पीड्स में, दैट इज मैक्युलर रेश, चीक्स में मिला आपको, और इसे हम कह रहे हैं स्लेप्ड चीक्स. अब क्या जहन में आ रहा है, स्लेप्ड चीक्स के साथ पेशेंट आ रहा है बच्चा. Any answer? No? ठीक है. This is, इसमें डेकियर में ये बच्चा जा रहा है, स्प्रिंग है, राइनोरिया के साथ आ रहा है, वॉमिटिंग डायरिया के साथ आ रहा है, लो ग्रेड फीवर भी है साथ में, गुड. फिफ्थ डिजीज, इसे फिफ्थ डिजीज कहते हैं, ठीक है. दैट इज एरिथमा इन्फेक्शियोसम,
ठीक है, स्लप चीज के साथ पेशेंट आता है, इसमें फीवर, राइनोरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, रेश होगा इस तरह का, जो सरकम ओरल पेलर होगा, और ये रेटिकुलर रेश ट्रंक पे, एक्सट्रीमिटीज पे, रेटिकुलर मीन्स के ये जाल बने हुए हैं. दिस इज अ रेटिकुलर रेश, ठीक है, इस तरह की प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी और स्लप चीक्स मिलेंगे, और ये पेशेंट फीवर की हिस्ट्री के साथ आएगा, और बाकी राइनोरिया, वॉमिटिंग, डायरिया. ठीक है, तो ये दैट इज इट फाइनल है. देन रोजियोला फीवर के साथ आ रहा है, ठीक है, और रेश भी है साथ में. हर्पीस, यू मीन हर्पीस वायरस, दिस इज द लास्ट रेश जो आप डिस्कस करेंगे, इसमें मैक्यूलोपैपिलन रेश बन रहा है आपको. ओके, आई थिंक हमारा टाइम अप होने वाला है. ठीक है, दैट इज वेरी कॉमन, वेरी इजी. पेप्यूल्स हैं, स्केटर्ड एरिथमेटस हैं, पाम्स में, सोल्स में, ओरल में भी हैं, टंग में भी हैं. इसकी बता दें मुझे जल्दी से. अल्सर्स मिल रहे हैं आपको बक्कल में, पुअर फीडिंग के साथ है, और समर में पेशेंट प्रेजेंट हुआ है. एनीवन? दिस इज कोक्सा की वायरस, ठीक है, पिकोना वायरस की वजह से हो रहा है, यंग चिल्ड्रंस में हो रहा है ये. ठीक है, ये दैट इज वेरी कॉमन. इसमें स्केटर्ड है, ग्रुप्ड वेसिकल्स के साथ पेशेंट आ रहा है, ठीक है, डिफ्यूज है, एरिथमेटस बेस्ड है, और क्रस्टिंग हो रही है. गुड, चिकन पॉक्स. क्रस्टिंग मींस की इसमें आपको हर तरह का रेश मिलेगा, क्रस्टिंग होगी, वेसिकल्स होंगे, ग्रुपिंग होगी, तो ये आपको मिलता है आपको चिकन पॉक्स में इस तरह का रेश. ये भी आपके पास कॉमन है. फीवर के साथ पेशेंट आते हैं, इच्ची होते हैं, प्योरेटिक होते हैं, और अनवैक्सीनेटेड पेशेंट में मोस्ट कॉमनली ये होता है आपके. ठीक है, ये स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगी, थोड़ा डिटेल है इसमें, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, बस पढ़ लीजिएगा. ठीक है, ये स्मॉल पॉक्स है, फेरेसिला, ये बहुत वर्स कंडीशन में पेशेंट आया है, ठीक है, क्रॉसिंग के साथ हो रहा है. ठीक है, इसमें कुछ समरी है, ठीक है, यू शुड गो थ्रू दिस. कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लें, क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम एंड होने वाला है. ठीक है, इसमें समरी है आपको, सारी हिस्ट्री है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, एक्सपोजर हिस्ट्री पूछनी है, और ये सारी डीडीज के साथ, ये पेशेंट जो मैंने अभी आपकी सारी स्लाइड्स दिखाई है वो सारी आ गई. ठीक है, दीज आर दी सम सिनेरियोस, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट में जो है वो मैं आपसे पूछूंगी कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा. इन सिनेरियोस में आपके पास ये पीपीटी आ जाएगी, आपकी सीआर को ये कन्वे हो जाएगी. ठीक है, फिर सब देख लीजिएगा इसमें, तो सिनेरियो बेस्ड भी आपको ईजी हो जाएगा. इसी तरह के सिनेरियोज आपकी एग्जाम में होंगे, तो आप अगर देख लेंगे इसमें तो फिर. ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. Thank you.